कैसे हैं? Assalamualaikum, welcome to the channel, guys. कैसे हैं? मैं कैसे हैं आप शेर में? मैं बिल्कुल ठीक, आप क्या करें? इसे क्या मन अच्छे शेर में? पीछे तो देखो, कुछ नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन गुरु. आई एम शेन, मेरे साथ है अली. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बढ़िया भाई. अच्छे हैं भाया? हमरा भालो अच्छे हैं भाया. आशा करी सभी भालो अच्छे हैं. तो आप बांग्लादेश में जो लोग होंगे उनके लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है और खुशी का मौका है. और एक वो भी कोविड के पूरे सिनेरियो में बांग्लादेश बीट इंडिया ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई. और कोविड के दिनों में भी आपकी जीडीपी इतना अच्छे से ग्रो कर रही है, दैट्स रियली अमेजिंग. कि जहाँ पूरी दुनिया को क्या मसाइल है, वहाँ आप लोग आहिस्ता ही फिलहाल कोविड की सिचुएशन में साउथ एशिया में सबसे बेस्ट आप लोग वैसे भी जा रहे थे और अभी कोविड के दिनों में भी जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी खबर है. और ये वीडियो देखते हैं और फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. मोदी साहब के हुकूमत में आने से पहले एक टाइम था जब इंडिया इस रीजन की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी. ये काम बहुत करते हैं ये. अगर किसी मामले पे स्टैंड लेता था तो पूरा चाय वाले अंकल उसके असरात महसूस करता था. लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद एक तरफ जहाँ इंडियन सोसाइटी में दबी हुई डिवीजन खुल के सामने आई है, फिर चाहे वो जात पात की बुनियाद पे हो या फिर मजहब और नस्ल की बुनियाद पे, खुल के दुनिया के सामने ये डिवीजन आ चुकी है. और कांग्रेस पार्टी ने जो कई साल की मुस्तकिल कोशिशों के बाद इंडिया का एक सेक्युलर चेहरा दुनिया को दिखाया हुआ था, वो अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है. इंडिया का सेक्युलरिज्म एक माजी की बात हो चुकी है. इस वक्त इंडियन सोसाइटी में जो दरारें पैदा हो चुकी हैं उसका आलम यह है कि अगर कोई ब्रांड टीवी कमर्शियल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है तो उसके खिलाफ बैकआउट चल जाती है. खुद हिंदू कम्युनिटी में जो डिफरेंसेस और दरारें पैदा की गई हैं उसका लेवल ये है कि अगर कोई दलित घोड़े पे चढ़ता है या लंबी मूछें रखता है तो उसे ऊंची जात वालों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है. हर रोज आपको इंडियन अखबारात और सोशल मीडिया के चैनल्स पर इस तरह की खबरें भरी मिलेंगी. गुजरात स्पेशली इस तरह की बात बहुत कम सुनने को मिलती थी, खास तौर पर जब कांग्रेस की हुकूमत थी. अभी हाल ही में इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में छोटी जात के अफराद के खिलाफ हुए जुल्म के मामले में आला तरीन लेवल पर मुदाखलत के बाद इस इशू को दबा दिया गया था, क्योंकि जिस ग्रुप ने ये जुर्म किया था वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ही जात के थे. ये अंदरूनी इकोनॉमी में भी नजर आ रहा है और उस पर भी असर डालना उसने शुरू कर दिया है. गुज़िश्ता क्वार्टर में इंडियन जीडीपी -23% से गिरी है और अब आईएमएफ ने जो 2020 की प्रेडिक्शन की हुई है उसके मुताबिक इस साल की जो जीडीपी है इंडिया की वो 10.3% से गिरेगी. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट का भी आ रहा था इनका पहले से, उसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी इतने ज्यादा गिरने वाली है इस साल, जबकि इसी साल आईएमएफ ने 4.5% के रेशो से जीडीपी गिरने का अंदाजा लगाया था इंडिया की. लेकिन बात उससे कहीं ज्यादा सीरियस है इन नए नंबर्स के मुताबिक. इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक तरफ जहां इंडिया की जीडीपी 10.3% से गिरने जा रही है इस साल, वहीं पर बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,888 से बढ़ेगी इसी साल. यानी इंडियन जीडीपी और पर कैपिटा इनकम तो माइनस में जा रही है, लेकिन बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है और जीडीपी है इस मुश्किल साल के बावजूद वो ग्रो करने जा रही है. यहाँ ये भी याद रहे कि आईएमएफ के मुताबिक दुनिया की जो कलेक्टिव ग्रोथ है वो 4.4% से घटेगी, लेकिन इंडिया की जीडीपी उससे डबल से भी ज्यादा कम होने जा रही है. कुछ साल पहले तक भी इंडिया बांग्लादेश से कहीं आगे था फाइनेंशियल एतबार से, लेकिन जैसे ही चीन और बांग्लादेश का बिजनेस रिलेशन बढ़ा है और बांग्लादेश ने इंडिया पर से अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम कर दी है, बांग्लादेश इंडिया को भी अब बीट करने लगा है. हालांकि इंडिया की जो अपनी सरकारी बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
उसने अपनी इस साल की जो रिपोर्ट थी उसमें 9.5% से, यानी जो प्रोजेक्शन थी उनकी कि 9.5% के हिसाब से कि इंडियन मईशत इतने परसेंट गिरेगी, लेकिन IMF के नंबर्स उससे ज़्यादा है। आलमी सतह पर अगर आप देखें तो स्पेन और इटली के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है ये दुनिया की तीसरी बदतरीन और वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी रहेगी, 2020 की जो IMF की फिगर्स हैं उसके मुताबिक। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आज से 5 साल पहले तक भी इंडिया की जो पर कैपिटा GDP थी वो बांग्लादेश से 40% ज़्यादा थी, आज से 5 साल पहले। इन 5 सालों में बांग्लादेश की पर कैपिटा जो GDP तो 9.1% से बढ़ी है, जबकि इंडिया की जो पर कैपिटा GDP है वो महज 3.2% से बढ़ी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 2020 में अब इंडिया को बांग्लादेश फाइनेंशियली बीट करने जा रहा है। अब जरा इंडिया के वो सियासतदान सामने आए जो ये कह रहे थे कि अगर इंडिया बांग्लादेश के लिए सिटीजनशिप अनाउंस कर दे तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा और सब इंडिया आ जाएंगे। अभी इंडियन मीडिया जरा उनके पास जाएं और उनसे इंटरव्यू लें कि उनका क्या कहना है इस बारे में कि बांग्लादेश अब ऑफिशियली इंडिया को बीट करने जा रहा है GDP में और फाइनेंशियल फिगर्स में। इन 5 सालों में जहाँ बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ी है वहाँ उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, और इंडिया की एक्सपोर्ट भी कम हुई है इन 5 सालों में BJP की हुकूमत आने के बाद, और इन्वेस्टमेंट में भी जो हमारे साथ थी वो तो वैसे ही जीरो। असल में इन 5 सालों में होता ये रहा है कि बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देता रहा है और अपने फॉरेन रिलेशंस में भी कुछ तब्दीलियां उन्होंने की हुई हैं, खुसूसन 2017 के बाद। उससे पहले बांग्लादेश को इंडिया एक तरह से अपना जूनियर पार्टनर ही ट्रीट करता रहा है, हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया से भी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद रहा है, जिसका प्रूफ 2020 में आप देख सकते हैं कि जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है तब भी बांग्लादेश की इकोनॉमी निस्बतन ज़्यादा स्टेबिलिटी का मुजाहरा कर रही है। अलबत्ता अंदरूनी दबाव की वजह से बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज में तब्दीलियाँ बहरहाल की हैं और वहाँ चीन की एक ठीक ठाक प्रेजेंस अब सामने आ रही है, और बांग्लादेश इन प्रोजेक्ट से भी दूर रहा है जिनसे उसे नुकसान और इंडिया को फ़ायदा हो। पब्लिक लेवल की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हलका ऐसा है जो कि इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात के फेवर में नहीं है, अगर उनमें बराबरी की बुनियाद पर बात ना की जाए, यानी अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच बराबरी की सतह पर बात ना हो तो ये हलका जो बांग्लादेश में मौजूद है ये इंडिया के साथ रिलेशंस के हक में नहीं है, और इस ग्रुप की ओपिनियन का असर बांग्लादेश में हुकूमती लेवल पर भी नज़र आ रहा है हालिया सालों में। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत बहरहाल मौजूद है जो कि इंडिया को फेस सेविंग दिलवा सकती है पब्लिक लेवल पर, अगर इंडिया की तरफ से बराबरी की बुनियाद पर रिलेशंस आगे बढ़ाए जाते हैं, और बांग्लादेश को जिन मसाइल से एतराज़ है अगर इंडिया उनको हल कर लेता है तो फिर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अवामी लीग की जो हुकूमत है वो हिस्टोरिकली इंडिया के करीब रही है। ओके जी, दिस वाज द होल रिपोर्ट बाय द ब्लैक पेज ऑफिशियल। तो इनके चैनल का लिंक आपको मिलेगा, नॉट अ ब्लैक, इट्स अ ब्लैंक ब्लैंक सॉरी ब्लैक यस ब्लैंक ओके, और इनके चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वाओ, व्हाट अ वीडियो, क्या बड़ा कुछ चेंज हो गया एकदम से। पिछले 10 सालों में जितनी तरक्की की है ना, और एशियन टाइगर जैसे कहते हैं सही मानों में वो बना है, और उसकी एक जो समझ बाकी कंट्रीज़ को भी आती है कि उनका एजेंडा जो है वो सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट्स इट, और उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, मामलात कहीं आगे पीछे उन्होंने ख़राब नहीं किए हुए चाइना के साथ, इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और जिस तरह इनके रिलेशन विद चाइना हम देखते रहते हैं अक्सर रिपोर्ट आती है तो काफ़ी बेहतर होते हैं चाइना के साथ। तो आई थिंक अब हर किसी को एशिया स्पेशली साउथ एशिया में अब करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक किस्म की सुपर पावर की गेम में आ गए हैं। जैसे अब US का देख लें तो US के साथ नॉर्थ पे ब्राज़ील वगैरह अर्जेंटीना वगैरह सब कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब सुकून से रह रही हैं, कोई उधर क्लैशेस नहीं है। तो चाइना भी यही चाहता है जब मैं यहाँ पर होल्ड करूँ पावर तो मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा कंट्री सपोर्ट में हो। उनका एक ही यहाँ पर इशू है, वो है हमारे साथ इधर इंडिया का,
और इंडिया का फिर किसके साथ नहीं है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ है। होपफुली ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं ताकि हमारे यहाँ के साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी सुकून देख सकें। बिल्कुल। और हमें अच्छा लगता है बहुत बार कि यार एक बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, और अभी अगर मुस्लिम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें तो कुछ ही कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर बहुत स्टेबल सुकून है वहाँ पर है। तो हमारे तो यही होती है दुआ कि अब बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट ही हो जाए पूरा तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक कॉमन जो हर कोई पर्सपेक्टिव होता है बंदे का वो यही होता है कि बांग्लादेश जो है वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ होते हैं, लेकिन अब हम जब से वीडियोस करना स्टार्ट किया हमें पता चला है इतना भी क्लोज नहीं जितना हम समझ रहे थे। तो एक न्यूट्रल रहना चाहिए एक रिलेशनशिप में। तो बहुत ये तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और देख कर बड़ी खुशी हुई। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ लाते रहेंगे, तो ओरिजिनल लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।